हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में हम DU एंट्रेंस एग्जाम 2018 के फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड है, यानी कि उस टाइप के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप DU में पढ़ रहे हैं या आप DU में पढ़ने जा रहे हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन है जो कि कनेक्टेडनेस और अकाउंटेबिलिटी पे बेस्ड है, तो वैसा क्वेश्चन तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। किसी ना किसी आपको क्लास टेस्ट में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है उसमें मिल जाएगा। पर अगर आप DU में जाएंगे तो वो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। वो DU का ऐसे बोल सकते हैं कि एज ए फेमस क्वेश्चन है, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का, बाकी रियल क्वेश्चन है वो भी सोल्व कर दिए गए हैं, उनकी भी लिस्ट आपको मिल जाएगी। सो क्वेश्चन क्या है कि लेट एफ बी ए कॉन्वेक्स फंक्शन विथ एफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, देन द फंक्शन जी डिफाइन ऑन जीरो कॉमा इन्फिनिटी एज जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन एक्स। अपने को एफ है वो कॉन्वेक्स फंक्शन दिया गया है, एफ जीरो इक्वल्स टू जीरो है, देन द फंक्शन जी का बिहेवियर पूछा गया है कि जी के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, जी कैसा होगा, यानी कि जी का अपन को बताना है कि जी का बिहेवियर कैसा होगा। तो ऑप्शन क्या है कि जी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज डिक्रीजिंग फंक्शन, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इज सच दैट इट इज मोरली कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अपन को बताना है जी कैसा है। अपने को गिवन है कि एफ कैसा फंक्शन है, कॉन्वेक्स है, और एफ जीरो इक्वल्स टू जीरो गिवन है, और जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स अपने को एफ एक्स अपॉन एक्स दिया गया है। तो अब अपने को बताना है कि जी कैसा है, यानी कि अपने को पहले पता है कि कॉन्वेक्स फंक्शन कैसे होते हैं, और एफ जीरो इक्वल टू जीरो का क्या रोल होगा, और जी इस इंटरवल में डिफाइन किया गया है। तो इन सब की मदद से अपन जी का बिहेवियर चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है, और कोई फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हर पॉइंट पे क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तो हम बोल देंगे वो फंक्शन कैसे है, इंक्रीजिंग है। और अगर डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो जाए, तो हम बोल देंगे फंक्शन कैसे है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो और कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है कि कोई फंक्शन एफ है, अगर वो किसी इंटरवल पे ऐसे कैसे डिफाइन है, तो हम बोलेंगे फंक्शन एफ इज कॉन्वेक्स इफ कि वाई इक्वल्स टू एफ एक्स जो कर्व है उसके किसी भी दो पॉइंट को अगर मिलाएं अपन किसी लाइन सेगमेंट से, तो कर्व क्या होना चाहिए, या तो उस लाइन सेगमेंट के नीचे होना चाहिए या उसके ऊपर होना चाहिए। यानी कि एफ फ्रॉम आई टू आर इज कॉन्वेक्स इफ द कर्व वाई इक्वल्स टू एफ एक्स लाइज बिलो और अपॉन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द कर्व। यानी कि जैसे ये था तो अपन ऐसे मिलाएं, तो कहने का मतलब कि इस लाइन के बिलो रहना चाहिए कर्व। और अगर ऐसा बन जाता है तो हम बोल देते हैं कि फंक्शन कैसा हो गया, कॉनकेव। यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स। तो इस टाइप में फंक्शन बन जाएगा कॉन्वेक्स। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, एज ए ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन होगी। पर अपने को यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन का यूज करना है, तो हम इसका एक अल्टरनेट डेफिनेशन और जानते हैं कि इफ एफ इज ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन देन एफ इज कॉन्वेक्स। यानी कि एफ कैसे है, ट्वाइस डिफरेंशियबल है, देन एफ इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स। यानी कि एफ ट्वाइस डिफरेंशियबल होना चाहिए और एफ डबल डैश एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो। और अपने को यहाँ पे गिवन है कि एफ जीरो इक्वल्स टू जीरो है और एफ कॉन्वेक्स है, इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब अपने को जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स के बारे में बात करनी है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें जी डैश एक्स से ही तो पता लगाएंगे कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो अब यहाँ पे इसका जी डैश एक्स देखें, तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, एक्स का क्या बन गया, यू अपॉन वी। से इसका अपन डेरिवेटिव कर सकते हैं, वी स्क्वायर यू वी इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश। तो ये बन जाएगा एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब हमने जी डैश एक्स निकाल लिया। अगर एक्स एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स स्क्वायर जी डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स। अब इस फंक्शन को हम कोई एच एक्स मान लेते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक ये है कि अपने को जी डैश एक्स के बारे में बताना है कि जी डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा कि लेस देन जीरो होगा, कैसा होगा। तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पे एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स है, जबकि अपने को एफ डैश एक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अपने को एफ एक्स की इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि एफ जीरो पे जीरो है। तो अपन क्या करते हैं, इस फंक्शन का बिहेवियर चेक कर लेते हैं या फिर इसे एच एक्स का कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पे एच एक्स के लिए हम क्या कर लेते हैं, एच डैश एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एच एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स। तो जब हम एच डैश एक्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया तो एफ डैश एक्स आ गया, प्लस एक्स का एज इट इज एफ डैश का एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स। तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि एच डैश एक्स की वैल्यू आ गई एक्स एफ डबल डैश एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि ये जिक्स कहाँ से डिफाइन है, जी एक्स डिफाइन है सिर्फ ओपन जीरो से इन्फिनिटी में। तो ये अपने पास एच डैश एक्स आ गया, और यहाँ से अपन कुछ बता सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स है वो अपने को एफ है सॉरी वो एफ दिया हुआ है कॉन्वेक्स। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स। और एच डैश एक्स इक्वल्स टू क्या, एक्स इंटू एफ डैश डबल डैश एक्स है और एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, तो एच डैश एक्स कैसे आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ गया। अब इसकी बात अपन जीरो पे करें, एच जीरो निकालें, और अपने को पता है कि एच एक्स इक्वल्स टू क्या था, एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स।
तो इसका मतलब जब एच जीरो करेंगे तो जीरो एफ डे जीरो माइनस एफ जीरो, और एफ जीरो पे वैल्यू जीरो, ये वाले टर्म भी जीरो, तो एच जीरो पे क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी कि अपने को पता लग गया कि एच डे सक्स है वो जीरो पे तो जीरो है, यानी कि एच डे सॉरी एच जीरो तो जीरो आ रहा है, और एच डे सक्स कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है फॉर ऑल एक्स। इसका मतलब कि एच डे सक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जीरो इन्फिनिटी। और एच डे सक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर जी डेक्स, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोला हुआ है कि जैसे एच एच एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जी डे सक्स। जब एच डे एच एक्स है सॉरी जब एच डे सक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ रहा है और इसकी वैल्यू ये वाली है, तो अब एच डे सक्स जीरो है, इसका मतलब एच एक्स कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब एच एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर जी डे सक्स है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एच डे सक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग जीरो टू ग्रेटर देन जीरो, और एच डे सक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपन बोल सकते हैं कि एच एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि एक्स स्क्वायर जी डे सक्स कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और जब एक्स स्क्वायर जी डे सक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है और एक्स जीरो से ओपन जीरो से इन्फिनिटी में है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर ओपन जीरो से इन्फिनिटी में है, तो एक्स भी कैसा है, एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब जब इसको हटाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन जीरो है, तो जी डे सक्स भी कैसा हो जाएगा, अब ये ग्रेटर देन जीरो और दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये वाला भी कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो, तो ये ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। अब जी डे सक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब जी एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जी एक्स कैसा फंक्शन बन गया अपना, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो यानी कि अगर एफ कॉन्वेक्स था तो हमने कॉन्वेक्स का यूज करा एफ डबल डे सक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, एफ जीरो को इक्वल टू जीरो का यूज करा हमने एच जीरो को बताने के लिए, और इसी के बाद हमने एच जो डिफाइन करा था इससे हम बता दिया कि जो अपना जी डेस एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एक्स कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान से समझना और आराम से उसको, ऐसे दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन से अपन बोल सकते हैं कि अपने कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिल्ड आवर कंसेप्ट। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करेंगे और क्या इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है और कैसे कैसे इसका यूज करते हैं। इसमें कुछ दो तीन रिजल्ट्स यूज होंगे जो अपन को पता होने चाहिए कि लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए कंटिन्यूस फंक्शन विच टेक इरेशनल वैल्यूज एट रेशनल वैल्यूज पॉइंट एंड रेशनल वैल्यू एट इरेशनल पॉइंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि क्या करता है एफ, एफ करता है एफ क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको तो ले जाता है वो रेशनल पे, और जो एफ है वो रेशनल को ले जाता है इरेशनल पे। तो अपन को बताना है कि ऐसा फंक्शन कैसा होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर ऑन क्यू कॉम्प्लीमेंट और नो सच फंक्शन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे अपन इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट है और वो सब अपन को पता होना चाहिए। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। अगर आप डीयू में पढ़ेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं यही मिल सकता है क्लास टेस्ट में, जैसे हमारे क्लास टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है कि एफ फ्रॉम आर टू आर अपने को कंटिन्यूअस गिवन है और आर को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि रेशनल यूनियन रेशनल कॉम्प्लीमेंट ऐसा लिख सकते हैं आर को, और अपने को गिवन है कि एफ क्या करता है इरेशनल को रेशनल पर लेके जाता है, तो एफ क्यू कॉम्प्लीमेंट कंटेन हो गया क्यू में। और हम ये भी जानते हैं कि कोई फंक्शन एफ है वो किसी ए यूनियन पे लगाएंगे तो एफ ए यूनियन एफ भी हो जाता है, और अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है तो वो कंटेंड होता है, इंटरसेक्शन कंटेंड होता है यूनियन में, ऐसे बोल सकते हैं कि एफ अलग अलग हो जाता है। तो एफ आर से आर पे अगर तो हम एफ आर की वैल्यू देखें तो एफ क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन जाएगा एफ क्यू यूनियन एफ क्यू कॉम्प्लीमेंट, और अपन को पता है कि एफ क्यू कॉम्प्लीमेंट कंटेन है किस में, क्यू में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ क्यू यूनियन क्यू। अब यहाँ से क्या पता लगेगा, एफ आर है वो आर पे जा रहा है और आर अपने को पता है आर पे जा रहा है और क्यू अपने को पता है काउंटेबल होता है, एफ कैसा दिया हुआ है कंटिन्यूअस है और क्यू कैसा था काउंटेबल था, तो इसका मतलब एफ क्यू भी कैसा होगा काउंटेबल, यानी कि ये वाला सेट भी काउंटेबल होगा और क्यू काउंटेबल होता ही है, तो विच इज काउंटेबल सबसेट, यानी कि काउंटेबल दो काउंटेबल सेट है उनका यूनियन करेंगे तब भी क्या आएगा काउंटेबल ही आएगा। अब अपन को ऐसे कैसे पता लगा कि एफ क्यू भी काउंटेबल होगा, अब अपन जानते हैं क्यू काउंटेबल है एफ कंटिन्यूअस है तो एफ क्यू भी क्या बनेगा काउंटेबल बनेगा, और क्यू काउंटेबल था ही, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा काउंटेबल बन जाएगा। अब विच इज काउंटेबल सबसेट ऑफ आर एंड एफ इज कंटिन्यूअस सो एफ क्यू इज ऑल्सो काउंटेबल, एफ क्यू काउंटेबल इस वजह से हुआ क्योंकि एफ कंटिन्यूअस था और क्यू काउंटेबल था। अब ये क्या हो गया, ये आर का सबसेट हो जाएगा क्योंकि ये आर एफ आर से आर पर डिफाइन है, तो जब एफ है वो आर से आर पर डिफाइन है इसका मतलब ये आर का सबसेट हो गया, और हम जानते हैं कि आर कनेक्टेड होता है, और एफ आर चेक कर रहे हैं अपन क्यों, यहाँ पे कैसे चेक कर रहे हैं एफ आर अपन, क्योंकि अपन एफ आर की वैल्यू तो निकाल रहे हैं, सब कुछ काम धाम जो कर रहे हैं वो एफ आर के लिए तो कर रहे हैं, और आर अपन को पता है कनेक्टेड होता है और कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, या आप टोपोलॉजी में पढ़ेंगे, ये हमने जब कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन देखी थी पॉइंट सेट टोपोलॉजी में तब भी देखा था कि कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड,
और आर अपने को पता है कनेक्टेड होता है, तो एफ आर भी कैसा होगा, कनेक्टेड होगा। और एफ आर की वैल्यू क्या आ रही है, एफ क्यू यूनियन क्यू, और साथ में काउंटेबल भी है और कनेक्टेड भी हो गया। इसका मतलब एफ आर कैसा हो गया, इसका मतलब एफ आर क्या हो गया, कनेक्टेड भी है और काउंटेबल भी है। कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज हमेशा कनेक्टेड होती है, और एफ आर मस्ट भी कनेक्टेड होगा और एफ आर काउंटेबल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ आर है वो एक आर का सबसेट है, और उस सबसेट की खासियत क्या है कि वो कनेक्टेड भी है और वो काउंटेबल भी है। इसका मतलब क्या होगा, और एक रिजल्ट ये भी होता है, इसका प्रूफ हम बाद में देखेंगे, आप चाहें इसका प्रूफ कर सकते हैं, कि काउंटेबल कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर हमेशा सिंगलटन होते हैं। यहाँ से अपन को ऐसा पता लगा कि एफ आर कैसा होगा, कनेक्टेड होगा और काउंटेबल होगा। तो इसका मतलब एफ आर मस्ट बी सिंगलटन, बिकॉज काउंटेबल कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर इज ऑलवेज सिंगलटन। काउंटेबल कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर हमेशा सिंगलटन होते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस रिजल्ट पे न जाने कितने इंटरव्यू में NVHM TIFR ऐसे क्वेश्चन जाते हैं, तो वहाँ पे अपन को ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काउंटेबल कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर क्या होते हैं, या इस पे बेस्ड कोई रिजल्ट या इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो काउंटेबल कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर इज सिंगलटन। इसका मतलब एफ कैसा हो गया, कॉन्स्टेंट। क्यों, कि भाई कोई फंक्शन एफ है वो आर से आर पे डिफाइन है, और वो क्या कर रहा है, एफ एक्स इक्वल टू ऐसे बोल सकते हैं अपन, सिंगलटन आ रहा है। तो सिंगलटन तो कोई कांस्टेंट ही आएगा, कोई भी जैसे 2 आ गया 3 आ गया कुछ कांस्टेंट आ गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा बन गया, कांस्टेंट। और हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन ना तो इरेशनल को रेशनल पे ले जाता है और ना रेशनल को इरेशनल पे ले जाता है। एफ डज नॉट टेक एनी इरेशनल टू रेशनल एंड रेशनल टू रेशनल, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन तो क्या करता है, जो वैल्यू होती है उसी को उसी पे ले जाता है, सबको कांस्टेंट पे ले जाएगा। तो अपन जैसे रेशनल लेंगे तो रेशनल ही आएंगे, इरेशनल लेंगे तो इरेशनल ही आएंगे कांस्टेंट की वैल्यू। तो ऐसा तो नहीं कर सकता ना, एफ की कांस्टेंट को इरेशनल को इरेशनल पे ले जाए या रेशनल को इरेशनल पे ले जाए। तो यानी कि जो गिवन कंडीशन है उसको फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करता। तो यानी कि नो सच फंक्शन एग्जिस्ट, क्योंकि हमने देखा कि अगर ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो वो सिंगलटन होगा, और सिंगलटन क्या करता है, इरेशनल को रेशनल पे और रेशनल को रेशनल पे नहीं ले जाता है। और हमने जो जो कंडीशन गिवन थी उसके बेसिस पे बता दिया कि फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट का यूज करा, कि कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, एंड काउंटेबल कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर इज सिंगलटन सेट होते हैं। और एक छोटा रिजल्ट ये भी यूज करा कि एफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एफ ए यूनियन एफ भी होता है। तो इस प्रकार का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका आंसर नो सच फंक्शन एग्जिस्ट। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, पर उस क्वेश्चन को तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो इजिली कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा वेरीफाई करने के लिए गूगल पे सर्च किया था, तो यहाँ पे एक और पे मेरे को मिल गया कि हाउ मेनी कंटिन्यूअस रियल फंक्शन एफ कैन बी डिफाइंड ऑन आर सच दैट एफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, कि हाउ मेनी कंटिन्यूस फंक्शन की जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो अब अपन यहाँ से अगर सोच के देखें कि एफ एक्स का होल स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर आ रहा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ऐसा फंक्शन क्या हो सकता है। अगर हम जनरली थोड़ा सा भी सोचें तो अपन देख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए और फंक्शन कंटिन्यूस होने। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में आइडेंटिटी फंक्शन आता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कंटिन्यूस भी होता है। जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाता है तो अपन एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स भी ले सकते हैं, तो होल स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब एक्स और माइनस एक्स दिमाग में आ जाएंगे तो अपन इतना तो सोच सकते हैं कि अपन मोड एक्स और मोड माइनस एक्स भी ले सकते हैं, तो ये एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स भी हो जाएगा और एफ एक्स इक्वल टू मोड माइनस एक्स भी। तो द नंबर ऑफ सच फंक्शन इक्वल टू 4। इस प्रकार के चार फंक्शन ही एग्जिस्ट करते हैं जो एफ एक्स का होल स्क्वायर करने पे क्या आए, एक्स स्क्वायर आए और कंटिन्यूस भी हो। तो सच नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 4, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो हाउ मेनी फंक्शन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज 4, ऐसे चार फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट देखे। इसके बाद हम इसके ग्रुप थ्योरी के जो 2017 के 18-19 के तो देख लिए हमने, 17 के देख लेंगे, रियल एनालिसिस के बाकी जो वीडियो हैं उनकी मैंने लिस्ट डाल दी है। और इस प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए आप बने रहिए। सो कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।